हे गाइस, वेलकम टू दी टॉयलैंड। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं ये M8 गेम स्टिक लाइट। आज इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों को इसकी प्रॉपर वर्किंग भी शो करवाएंगे। बाकी इसके बॉक्स के बैक पे यहाँ पे प्रोडक्ट फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पैरामीटर के बारे में मेंशन है, और इस गेम के अंदर जो जो कैटेगरीज दी हुई है वो भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे PS1 की कैटेगरी अटारी है, GBA, तो इस तरह अलग अलग काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज भी दी हुई हैं। तो आइए चले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें ये गेम स्टिक दी हुई है, 4K गेम स्टिक लाइट, और एक ये डोंगल दिया हुआ है। इसी से दो वायरलेस कंट्रोलर्स कनेक्ट होंगे और डोंगल इसके बैक पे यहाँ पे अटैच होगा। कंट्रोलर आप लोग चेक कर सकते हैं, प्लेस्टेशन 2 जैसे कंट्रोलर इसमें दिए हुए हैं। दो सेल डालेंगे बस इसमें। इसका दूसरा कंट्रोलर है, सेल डाल देते हैं इसमें। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ये इसकी HDMI केबल है और ये इसका कनेक्टर है। किस तरह इस गेम को अटैच करेंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। ये गेम आप लोग LED LCD स्मार्ट टीवी में खेल सकते हैं इजीली। और इसके अंदर एंड में ये डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे एक डिटेल्स मेंशन है, इसमें सब किस तरह कनेक्ट करेंगे ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आइए चलो आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह इस गेम को LED में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम खोल लेते हैं ये कनेक्टर को। अच्छा, ये कनेक्टर की छोटी वाली केबल है, ये हम गेम स्टिक के बैक पे अटैच करेंगे इस तरह। उसके बाद हम लगा लेते हैं इसमें डोंगल। बाकी ये कनेक्टर की जो बड़ी वाली केबल है USB वाली, ये हम LED पर अटैच करेंगे। बाकी ये HDMI जो केबल है, ये वाला जो पोर्ट है, ये हम यहाँ पे स्टिक को अटैच कर देते हैं इस तरह। और ये जो USB HDMI का पोर्ट है, ये हम LED में अटैच करेंगे। मतलब ये सिर्फ ये दो चीज़ें हमने LED पर अटैच करनी है, एक तो ये USB वाली केबल और एक ये HDMI केबल, ठीक है। बाकी हम अगर किसी के पास HDMI केबल नहीं है तो वो डायरेक्ट स्टिक को भी LED पर अटैच कर सकते हैं, तो भी आपकी गेम ऑन हो जाएगी। बाकी इसमें 64GB का कार्ड भी दिया हुआ है, और काफ़ी सब्सक्राइबर्स हमसे कह रहे थे कि गेम ऑन करने के बाद उसको एग्जिट किस तरह करेंगे। तो देखिए, सिंपल ऑप्शन ये है कि ये स्टार्ट और सेलेक्ट के बटन को एक साथ प्रेस करें तो आपकी स्क्रीन में 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसी में एक एग्जिट का भी ऑप्शन होगा, तो उससे आप लोग गेम को ईजीली एग्जिट भी कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी गेम्स हैं इसमें, तो आइए चले आप लोगों को इसका डेमो भी शो करवाते हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि काफ़ी सारी गेम्स है इसमें, 20,000 प्लस गेम्स है और 9 कैटेगरीज दी भी अलग अलग, जैसे PS1 की कैटेगरी में टेकिन 1, 2, 3 है, रेसिडेंट एविल, डेल्टा फोर्स, फुटबॉल की गेम है टॉम एंड जेरी, टॉय स्टोरी, इसी तरह अटारी की इसमें काफ़ी सारी गेम्स हैं और इसी तरह दूसरी कैटेगरीज में भी काफ़ी सारी गेम्स दी हुई हैं, जैसे किंग ऑफ फाइटर, स्ट्रीट फाइटर, स्नो ब्रॉस, सुपर मारियो, GTA भी है इसमें। बाकी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।